लोग बोले हैं, बताए हैं, वो सभी इमाम हुसैन साहब के, उनका जो कुर्बानी था उसके बारे में बहुत डिटेल में बताए हैं, और जो करबला में हुआ उसके बारे में भी बहुत डिटेल बताए हैं, और जो हमारे इमाम हुसैन साहब के साथ जो 72 लोग थे उनके बारे में भी, उनका कैसे कत्लेआम किया गया इसके बारे में बताए हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि यह जो वाकया हुआ था आज के 1600 साल पहले, वो हक की लड़ाई थी, और उस हक की लड़ाई में कुर्बानी तो हुई लेकिन जीत हक की हुई। और ऐसे ही पूरे दुनिया में जहाँ भी ऐसे वाकयात होते हैं उसमें हमेशा जो जीत होती है वो हक की होती है। हमारे पुराणों में भी महाभारत का युद्ध हुआ था, उसमें भी हक की लड़ाई हुई थी, उसमें भी जीत सच्चाई की हुई थी और हकदार की हुई थी। उसी तरीके से जब हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई हुई इंडिया में, उसमें भी तमाम लोग मारे गए, जलियांवाले बाग में कत्लेआम हुआ, तमाम अशफाकुल्ला खान ऐसे तमाम वीर फांसी के फंदे पर चढ़ गए। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि हक की जीत हुई, और यही दुनिया का विधान है। चाहे कितना भी दुनिया में कुछ भी गड़बड़ी हो जाए, अल्टीमेटली सत्य में वजह थी, ट्रुथ विल ट्रायंफ। तो आज जो ये ब्लड का एक ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम है, जो कि हमारे बच्चा साहब ने बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया है, ये उसी से रिलेटेड है। हम ब्लड देते हैं तो किस लिए देते हैं? इसलिए देते हैं कि कोई आदमी की जिंदगी बरकरार रहे,